गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड के बारे में। मार्केट कैप देख सकते हैं 12,704 करोड़ का है। आरओसी आरओई दोनों एवरेज से कम है अभी फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिरा है। आवास फाइनेंस करती क्या है? ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये आई कहाँ से? ये आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। ये उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे आई हुए, नवंबर 2018 में आई थी और उसके बाद इसमें रेगुलर ग्रोथ दिख रही थी। कोविड में जो एक छोटा सा फॉल था उसके बाद भी इसने ग्रोथ कंटिन्यू की थी, लेकिन मार्केट में जब सबका फॉल शुरू हुआ था तब इसने भी फॉल देना शुरू किया और काफी अच्छा ये गिर चुका है अभी तक। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का चांस अभी बन रहा है? अगर इसकी पी रेशियो की वैल्यूएशन देखेंगे तो मीडियन इसका अभी 60 के आसपास है यहाँ कहीं पे, और वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कहाँ पर है, 35 से भी नीचे है एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा नीचे है ये, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। और देखिए क्या हो रहा है, ये पीई नीचे जा रहा है और इसका जो ये ब्लू लाइट ब्लू का पहाड़ है ईपीएस का, ये ऊपर जा रहा है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। दूसरी एक और चीज़ देखेंगे, अभी इसे अगर हम लोग इसकी सब्सिडियरी कंपनी के साथ कंपेयर करें तो आपको अगर मतलब कभी अगर आपने देखा होगा एयू फाइनेंस बैंक, ये अभी लेने के चांस ही नहीं दे रहा, मतलब शेयर खरीद ही नहीं पाओगे आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर लोगे तो आप अपर लिमिट के आसपास कहीं पर लोगे, ठीक है, ओवरबॉट जोन में लोगे। अभी एयू फाइनेंस बैंक लेना चाहिए या आवास लेना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी थ्री मंथ्स का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो उसमें एयू बैंक ऊपर है, ठीक है, आवास नीचे है। 6 मंथ्स का देखेंगे तो इसमें एयू बैंक बहुत ज़्यादा ऊपर है, आवास बहुत नीचे है, ठीक है, गैप दिख रहे हैं, राइट। अभी वापस इसको अगर ईयर ऑन ईयर करते हैं तो भी आप देखेंगे एयू बैंक ऊपर है, आवास नीचे है। तो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि एयू बैंक हमेशा ही अच्छा है, लेकिन अगर इसे 5 साल कर दिया जाए या मैक्स कर दिया जाए, देखिए अगर मैक्स कर देते हैं तो ये तब से बताएगा जब से दोनों एक साथ थे मार्केट में, ठीक है, यहाँ से अब देख सकते हैं लगभग साथ में ही थे। एक्चुअली एयू फाइनेंस बैंक ऊपर था और उसके बाद क्या हुआ, एयू फाइनेंस बैंक नीचे ही चला हमेशा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पास में था, ओके, तो दोनों के प्रॉफिट्स क्या होंगे उस टाइम, लगभग सेम होंगे। तो यहाँ पे चांस था उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, या तो एयू बैंक में या तो आवास में, ओके। तो जिन्होंने आवास में किया होगा वो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि एयू बैंक यहाँ पर था, ठीक है। फिर से कहता हूँ, यहाँ पे चांस था एक इन्वेस्टमेंट करने का, जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको आवास में ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, फिर एयू में कम हुआ होगा। अब वही चांस मुझे लगता है अभी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आवास अभी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो चांसेस है इसमें अच्छी होल्डिंग बनाने का, ताकि लॉन्ग टर्म में जैसे ये यहाँ के फॉल के बाद उठा था वैसे ही ये यहाँ कहीं के फॉल के बाद ऊपर हम लोगों को प्रॉफिट दे दे। इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, 39.2% है, लेकिन इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। और डेट टू इक्विटी तो बैंक का देखना कुछ बनता नहीं, क्योंकि बैंक के पास हमेशा डेट रहता ही है, क्योंकि उनको लोन्स देने रहते हैं, और ये बैंक नहीं है ये फाइनेंशियल कंपनी है, तो ऑब्वियसली इनको फाइनेंस देने के लिए फाइनेंस लेना भी पड़ेगा, तो इसलिए इसमें डेट टू इक्विटी या डेट जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। अभी इसका फेस वैल्यू देखेंगे 10 है, मतलब ये स्प्लिट कभी भी हो सकता है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है, बिकॉज ये पूरा का पूरा पैसा अपने ग्रोथ में लगाती है। वैल्यूएशन अगर चेक करेंगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा पीई इसी का है, ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो पीई देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आवास फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे होंगे, वो इसके और गिरने का वेट करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छा है। CAGR का अभी डेटा इनफ आया नहीं है, लास्ट 3 साल का देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही बहुत ज्यादा गिरा है, तो CAGR अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिजर्व्स इनके जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स देखने का कोई मतलब नहीं है, और फिक्स्ड एसेट्स इनके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो फुल मार्क्स इसको मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 53.46 का जो होल्डिंग था वो 39.14 का हो गया है, और ये कहाँ गया, ये गया है यहाँ से गया था ये FII के पास, फिर यहाँ 50 से 39 हुआ था, तो यहाँ किसके पास गया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये FII ने लिया था, 32 से 39 हो गया था, और यहाँ पे DII के पास गया था ये दो करोड़ के आसपास, आई एम सॉरी 2% के आसपास यहाँ पे DII ने बढ़ाया था, और पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत 1% की होल्डिंग इसमें बढ़ाई थी, ठीक है, तो पब्लिक का तो उतना मैटर नहीं करता। FII और DII ने यहाँ पे सितंबर 2021 में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तब इन्होंने अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ानी शुरू की थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि DII के पास लगभग उतना ही है जितना इनके पास पहले था। प्रोमोटर्स के पास अपनी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन वही होल्डिंग किसके पास गई है, FII के पास, ठीक है, तो मेनली देखा जाए तो FII ने ये माल उठाया है प्रोमोटर्स, और उसमें कौन थे, देखिए FII में कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर,
इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, जहाँ पे स्टेक कम हुआ था, तो ये एंट्री यहाँ पे इन्होंने ली थी। और भी बहुत सारे रहते हैं जो यहाँ पे लिस्ट में दिखते नहीं है, लेकिन मेजर जो होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं इसमें। और DIA में देख सकते हैं, पहला तो अपना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है, बाकी SBI, UTI, कोटैक, UTI, टाटा, बहुत सारे हैं इसमें भी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स होंगी उनको ही आप यहाँ पे देख पाओगे, और जो जिनके पास छोटी होल्डिंग होगी वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। देखिए चेक करें इसका एनुअल नेट सेल्स, तो नेट सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, लेकिन फिर भी ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा चुका है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट और सेल्स को लेके कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा। चलिए तो अब देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा सकता है। पहले एक लाइन बना के देखते हैं, है ना। अभी अगर हम लोग यहाँ से इसको एक बेस मान के अगर यहाँ तक हम लोग एक लाइन बना दें, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत गैप बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा 19-20 हो सकता है यहाँ से पलट जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक रफ पैटर्न बनाने पर दिखता है कि एक छोटा मोटा गैप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग इस बॉलिंजर लाइन को देखें, जो ये बॉलिंजर लाइन है, ठीक है, तो इसके भी पास ये आया नहीं है, कभी हिस्ट्री में भी आया नहीं है, पहले भी कभी नहीं आया, लेकिन क्या पता अभी शायद आ जाए, ओके। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये पहली बार 40 से नीचे गया है इसका RSI, तो ये अंडर वैल्यूड तो नो डाउट हो गया है, हमने इसकी पी की वैल्यूएशन में भी देख लिया था। तो इसमें क्या अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए किसी के पास अगर बिल्कुल भी इसकी होल्डिंग नहीं है तो आप यहाँ पे एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटा मोटा मतलब आप जितना भी इसमें डालना चाह रहे हैं पैसा, उसका 25% आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इधर कहीं आप डाल सकते हैं, जब भी आप देखें इसमें एक बाइंग आ रही है, तो उस दिन आप इसमें एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 25% का आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग है, मान लीजिए आपने यहाँ पे खरीदा था, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे एंट्री करने की, यहाँ एवरेजिंग करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो ये बहुत पास है, तो इतने पास में एवरेजिंग करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, चांसेस ये भी है कि ये यहाँ से भी नीचे चला जाए। अभी आज के दिन आप देख सकते हैं जो इसका पिछला बेस था ये, तो इससे ये नीचे चल रहा है। आप इसका डेली कैंडल का चार्ट देखोगे ना, ये देखो ये इसका डेली कैंडल का चार्ट है, ये इसका ऑल टाइम जो 52 वीक्स का बेस था वो यही था, ओके। तो इसको आज ये तोड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर मार्केट बंद होते होते अगर ये इस लाइन के ऊपर में ही क्लोज होता है, तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। और अगर कल इसमें एक ग्रीन कैंडल बन जाता है यहीं पे, तो ये लग सकता है कि हाँ इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे अगर ये सेकंड कैंडल अगले दिन बना देता है, तो यहाँ पे एक एंट्री की जा सकती है, ठीक है। इस लेवल के इस कैंडल के थोड़ा ऊपर यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो एवरेजिंग करना चाह रहे हैं। तो जो एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे पास भी इसकी होल्डिंग है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो अगर मैं इसमें एवरेजिंग करूँगा, तो मैं अगर अप्रैल में, वैसे मुझे लगता नहीं है ये अप्रैल में यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर अप्रैल में ये 1385 तक आता है, तो मैं इसमें एक 25% की एवरेजिंग कर दूंगा, ठीक है। 1385 कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ तक अगर ये आता है, तो मैं इसमें एक छोटी सी एवरेजिंग करूँगा, कहाँ पर? 1385 पर। ये सिर्फ वैलिड रहेगा कब तक? अप्रैल तक। अदरवाइज फिर मैं इसमें 1000 के नीचे जाने का ही वेट करूंगा। अगर ये अप्रैल में यहाँ नहीं आता है, तो मैं 1000 के नीचे इसके जाने का वेट करूंगा। उसके बाद मैं कभी अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरे इसमें लेवल्स क्या बन रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में बता रहा हूँ कि ये ईयरली लेवल जो है मेरा 800 के आसपास ही होगा, ठीक है। 800 के आसपास कहीं पर मेरा फाइनल SIP का लेवल होगा। इससे ज़्यादा नीचे मैं इसमें SIP नहीं करूँगा, लेकिन होपफुली ये यहाँ तक जाएगा नहीं। मुझे लगता है ये यहीं से पलट जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से पलट जाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बेस ये बना लेगा, जो यहाँ पे और यहाँ पे अपना बेस ये दिखा देगा, ठीक है। तो अगली बार भी इसी लाइन को हम लोग कंटिन्यू करके इसका बेस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अप्रैल का टारगेट 1385 और ऑल टाइम लोएस्ट SIP 800 रुपये, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।